उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याता अपना विरोध दर्ज करने पहुंचे। मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर अतिथि व्याख्याताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर रूप सिंह मीणा ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में करीब 350 अतिथि व्याख्याता हैं, जिन पर लेक्चर 500 मानदेय दिया जाता है, जबकि दूसरे विश्वविद्यालयों में 800 तक मानदेय किया जाता है। इसके साथ ही पिछले 3 महीने से भुगतान भी नहीं किया गया है, जिससे सभी अतिथि व्याख्याता में रोष व्याप्त है। आज विरोध स्वरूप किसी भी अतिथि व्याख्याता ने लेक्चर नहीं लिया। मीणा ने बताया कि कई बार मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हमने विश्वविद्यालय से गुहार लगाई है, लेकिन हर बार आश्वासन मिला और आज भी आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन में आपकी मांग मान ली जाएगी, लेकिन इस बार अगर मांग नहीं मानी गई तो सभी अतिथि व्याख्याता लेक्चर्स नहीं लेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सभी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो संगठक 4 महाविद्यालय हैं, उनके सभी लगभग 350 अतिथि व्याख्याताओं ने मानदेय जो 500 रुपये था उसका 800 रुपये बम के अंदर किया गया था, उसको यहाँ के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कालम तोड़ किया जा रहा था। उसके विरोध में आज हमने 4 कॉलेजेस के अंदर 0 टीचिंग डे रखा था, यानी कि कोई भी अतिथि व्याख्याता ने क्लास नहीं लिए, शाम तक नहीं लेंगे, और उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। और हमारी रजिस्ट्रार महोदय ने और डिप्टी रजिस्ट्रार मुकेश बारवर जी ने बात सुनी और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर आपका आदेश आपके पास पहुंच जाएगा और आपका मानदेय 500 से 800 कर दिया जाएगा।